भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को लगा 4 करोड़ का चूना। अपने ही भाई वैभव पांड्या ने हार्दिक पांड्या को लूटा। पुलिस ने किया क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के भाई को गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 दिल्ली एनसीआर में। मैं हूं पूनम अधिकारी। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या को करोड़ों रुपए का चूना लग गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हार्दिक और कुणाल से ठगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनके ही परिवार का उनका सौतेला भाई वैभव पांड्या है। क्या है पूरी खबर वो बताने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या को करोड़ों रुपए की चपत उनके ही सौतेले भाई वैभव पांड्या ने लगाई है। हार्दिक कुणाल से ठगी करने वाले आरोपी सौतेले भाई वैभव पांड्या को मुंबई की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने गिरफ्तार किया है। दोनों ही भाई इस समय आईपीएल 2024 में अपनी अपनी टीमों के लिए खेल रहे हैं। सौतेले भाई की किए गए इस धोखे की वजह से पांड्या बंधुओं को करीब 4 करोड़ का नुकसान हुआ है। आरोपी वैभव पांड्या को गिरफ्तार कर उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भी भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी वैभव पांड्या हार्दिक और कुणाल का सौतेला भाई है। साल 2021 में पांड्या ब्रदर्स के साथ मिलकर आरोपी वैभव ने पॉलीमर बिजनेस की कंपनी शुरू की थी। इस कंपनी में हार्दिक और साथी कुणाल की हिस्सेदारी 40-40% थी, वहीं वैभव की हिस्सेदारी सिर्फ 20% थी। पार्टनरशिप की शर्तों के मुताबिक इस कंपनी से होने वाला मुनाफा हार्दिक, कुणाल और वैभव में पार्टनरशिप की हिस्सेदारी के हिसाब से बंटना था, लेकिन इसके बावजूद आरोपी वैभव पांड्या ने कंपनी के मुनाफे का पैसा हार्दिक और कुणाल को देने की बजाय एक अलग कंपनी बनाकर उसमें प्रॉफिट की रकम को ट्रांसफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक क्रिकेटर के सौतेले भाई वैभव पांड्या पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने भाइयों को बताए बिना उसी फील्ड में काम करने वाली एक और फर्म बनाई। इस तरह उन्होंने बिजनेस के समझौते का उल्लंघन किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ऐसा करने से फर्म के जो प्रॉफिट आया था उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है और जो ब्रदर्स हैं, ये दोनों पांड्या ब्रदर्स हैं, इनको करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। इसी बीच वैभव पांड्या ने चुपके से फर्म में अपना हिस्सा 20% से बढ़ाकर 33% भी कर दिया था, जिसे हार्दिक पांड्या और कुणाल दोनों क्रिकेटर भाइयों को इससे तगड़ा नुकसान हुआ है। फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।